Hello guys and welcome to Manuel Education. So there is an important update for all the law 3 years aspirants. Guys, एक update आ चुकी है. अगर आप सी टी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करो, क्लिक ऑन कैप पोर्टल, स्क्रोल डाउन टू एल एल बी 3 years और यहाँ पर आपको एक न्यू ब्लिंक दिख रहा होगा, क्लिक ऑन दिस. तो यहाँ पर जो है आपकी अल्फाबेटिकल लिस्ट आउट हो चुकी है और यहाँ पर एक अनाउंसमेंट भी है. कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू एडिट द कैप फॉर्म इफ रिक्वायर्ड and fill or edit the college option form if not filled during the period 9th of August to 11th of August. तो दो दिन का और टाइम है. टुडे इज 9th of August, तो 11th of August तक आपके पास टाइम है अगर आपने एडिट नहीं किया है या फिर ऑप्शन फॉर्म नहीं भरा है. ये दो दिन में भर दो सो दैट आपके एडमिशन में कोई प्रॉब्लम ना हो. और अब हम आगे बढ़ते हैं अपडेट की तरफ. अल्फाबेटिकल लिस्ट आपकी निकल चुकी है फॉर राउंड वन, क्योंकि आज ही पब्लिश्ड हुई है. तो एक एक करके हम सारी लिस्ट को चेकआउट करेंगे फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स, जम्मू एंड कश्मीर, एनआरआई नॉट कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल लिस्ट, और अल्फाबेटिकल लिस्ट की समरी भी आउट हुई है. एक एक करके हम सारी लिस्ट चेकआउट करेंगे. लेट स्टार्ट विद दी अल्फाबेटिकल लिस्ट फॉर दी महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स. क्लिक ऑन दिस. सो लेट्स चेकआउट द लिस्ट फॉर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स, जो कि महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स की लिस्ट आउट हुई है. तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका जेंडर आप चेकआउट कर सकते हो, आपका नाम चेकआउट कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट्स, प्रीवियस कैटेगरी, कैंडिडेट से टाइप, आपका महाराष्ट्र टाइप ए में आता है, टाइप बी में आता है, आप वो चेकआउट कर सकते हो, माइनॉरिटी या फिर एप्लीकेशन ऑफ माइनॉरिटी स्टेटस, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, सच एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गुजराती या रिलीजियस माइनॉरिटी जैन, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो. एक्स सर्विसमैन प्रायोरिटी भी आप चेक कर सकते हो यहाँ से. ऑर्फन स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हो. आपका सीटी का मार्क्स आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो. पोस्ट ग्रेजुएशन आपका परसेंटेज आप यहाँ पर चेक कर सकते हो. अंडर ग्रेजुएट परसेंटेज यहाँ. एचएससी के परसेंटेज आप यहाँ चेकआउट कर सकते हो, एसएससी के यहाँ पर. और आपका स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि अगर ये कन्फर्म्ड है तो आपके नाम के आगे यहाँ पर कन्फर्म्ड दिखेगा. कन्फर्म्ड कन्फर्म्ड, तो जितने भी एप्लीकेशन यहाँ पर कन्फर्म्ड हैं तो वो सारे आपको यहाँ पर दिखेंगे. और अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो जितने भी आपको यहाँ पर येलो मार्क्स में दिखेंगे तो इनके डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्रिपेंसी है. तो आपको जितनी जल्दी हो सकता है ये डिस्क्रिपेंसी क्लियर करनी है, सो दैट आपका ये जो रिमार्क है यहाँ से हट जाए एंड यहाँ पर कन्फर्म का साइन आ जाए. तो जब तक आपका डिस्क्रिपेंसी रहेगा डॉक्यूमेंट्स में, तब तक आपके एडमिशन में प्रॉब्लम होने वाली है. तो ये जितनी जल्दी हो सकता है इसको रेक्टिफाई करके आप इस पर काम करो एंड आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे क्लियर करो. सेम वे इफ़ यू चेक आउट द लिस्ट फॉर ओएमएस, तो ये ओएमएस की लिस्ट है. तो यहाँ पर अगेन आप आपका नाम चेकआउट कर सकते हो, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो या एससी एसटी से बिलोंग करते हो, एंड अगेन जो यहाँ पर येल्लो मार्क दिख रहा है आपके नाम के आगे वो होगा आपका डॉक्यूमेंट्स हैविंग डिस्क्रिपेंसी. तो जितनी भी डिस्क्रिपेंसी वाले डॉक्यूमेंट्स हैं विद इन द गिविंग टाइम आप इसको क्लियर कर लो, वरना आपके एडमिशन में काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है. सेम वे इफ़ यू चेक आउट द लिस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये जितने भी नाम आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन पेंडिंग, तो ये जितनी जल्दी हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लो. एंड वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर द कैंडिडेट्स, ई वेरीफिकेशन इज नॉट फुल प्रूफ वेरीफिकेशन. फाइनल वेरीफिकेशन विल हैपन एट द लेवल ऑफ एडमिटिंग कॉलेज और डिपार्टमेंट. Candidates whose application forms and documents are having discrepancy can clear the discrepancies during the grievance period as per the schedule. All candidates should verify the status of application and documents and inform shared in the alphabetical list and make corrections if required during the grievance period as per the schedule. No changes in the status of application form will be entertained after the final merit list is declared. तो ये काफ़ी important point हो जाता है कि final merit list out होने के बाद यहाँ पर कोई भी changes एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस है, आपको इसको गो थ्रू करना है एंड आपके डिस्क्रिपेंसी या फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो क्लियर करना है. सेम वे इफ यू चेकआउट फॉर दी एनआरआई कैंडिडेट्स, तो अगेन यहाँ पर इनके जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग है. सो अगेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस दिया गया है फॉर द कैंडिडेट्स, आपको इनको ध्यान से पढ़ना है एंड मेक श्योर जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं आप उसके थ्रू ही, उसके हिसाब से ही आगे प्रोसीड करो. और अगर हम ये लिस्ट देखें जो कि कैंडिडेट्स नॉट कंसीडर्ड हैं राउंड वन में, तो उनका क्या स्टेटस है, यहाँ पर आप आपका नाम चेक कर सकते हो, आपका कैप एप्लीकेशन फॉर्म चेकआउट कर सकते हो और यहाँ पर आपका स्टेटस भी चेकआउट कर सकते हो, आपका एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है. एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट बट नॉट लॉक्ड, आप इसको लॉक्ड करना भूल गए तभी आपका यहाँ पर नाम आया है.
ऑप्शन फॉर्म नॉट फिल्ड, अगर आपने ऑप्शन फॉर्म ही नहीं फिल किया है तो आपका नाम कैसे आएगा, आपको कॉलेज कैसे अलॉट होगा, तो ये आपको कंप्लीट करना है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, ऑप्शन फॉर्म नॉट फिल्ड, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीट बट नॉट लॉक्ड, ऑप्शन फॉर्म नॉट फिल्ड, ऑप्शन फॉर्म नॉट फिल्ड, तो ये सारी चीज़ें आपको देखकर रेक्टिफाई करनी है। आपके पास टाइम काफ़ी कम बचा है, तो इन जितनी भी ये सारी आपके रिमार्क्स हैं, ये सारे रिमार्क्स आप जितनी जल्दी हो सकता है वो क्लियर कर लो, सो दैट आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो बिल्कुल हैसल फ्री हो, वरना आपका एडमिशन भी लूज़ कर सकते हो अगर आगे के राउंड्स में आपका नाम नहीं आया, सो यू कैन बी आउट ऑफ दी कैप राउंड एज वेल। सो काफ़ी ध्यान से ये चीज़ें नोट करो, रेक्टिफाई करो एंड इस पर वर्क करो। और अगर हम समरी लिस्ट को देखें जो इन्होंने रिलीज़ की है, तो इसमें आपको पूरा का पूरा डेटा मिल जाएगा आफ्टर द राउंड वन समरी पेज ऑफ द अल्फाबेटिकल लिस्ट। तो इसमें आपको पूरा काउंट मिल जाएगा, स्टूडेंट एलिजिबल थ्रू LLB 3 years, CET 64,143, CET क्वालिफाइड स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर LLB 3 कोर्स 52,283, CET क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हु लॉक देयर कैप एप्लीकेशन फॉर्म्स 48,254 स्टूडेंट्स, CET क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हु रजिस्टर्ड फॉर कैप बट डिड नॉट लॉक देयर कैप एप्लीकेशन फॉर्म 4,029 स्टूडेंट्स, CET क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हुज कैप एप्लीकेशन एंड अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स आर फुल्ली ई वेरीफाइड 42,369, CET क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हुज कैप एप्लीकेशंस एंड अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स आर पार्शली ई वेरीफाइड 5,885 स्टूडेंट्स, CET क्वालिफाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स हुज कैप एप्लीकेशंस आर लॉक्ड 43,892, CET क्वालिफाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स हुज कैप एप्लीकेशंस आर लॉक्ड एंड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स आर फुल्ली ई वेरीफाइड 40,304, CET क्वालिफाइड OMS स्टूडेंट्स हुज कैप एप्लीकेशंस आर लॉक्ड 2,362, CET qualified OMS students whose CAP applications locked and application documents are fully e-verified 2,065, Jammu and Kashmir students whose CAP applications are locked 6, NRI, OCI, PIO, FNS students whose CAP applications are locked 5। और यहाँ पर इन्होंने important notes या फिर instructions भी दिए हुए हैं। E-verification again is not foolproof verification. Final verification will happen at the level of admitting. 11,860 candidates are yet to register for Maharashtra LLB 3 years course. They can register themselves in the third round as per the schedule. तो जिन्होंने अब तक register नहीं किया है, you have the last chance to register yourself in the third round as per the schedule. Candidates should take special care of conversion certificates. तो ये सारे जो important notice है या instructions हैं, ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है एंड देन यू कैन प्रोसीड विथ योर रजिस्ट्रेशन अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। सो गाइस, दिस वॉज द क्विक अपडेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। अल्फाबेटिकल लिस्ट आउट हो चुकी है एंड वंस अगेन, अगर आपने आपका फॉर्म एडिट नहीं किया है, ऑप्शन फॉर्म फिलअप नहीं किया है, यू हैव दीज टू डेज 9th ऑफ अगस्त जो कि आज है टिल 11th ऑफ अगस्त, तो आप इस पीरियड में ये काम पूरा कर लो, वरना यू विल बी लूजिंग योर कैप सीट एज वेल। सो दैट वॉज द क्विक अपडेट फ्रॉम माई साइड। शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जिनको इस अपडेट के बारे में नहीं पता था, सो दैट दे कैन बी अवेयर अबाउट दिस अपडेट। एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन मेन्यूअर लॉ एंट्रेंस, देन काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। अगर आप ये वीडियो मेन्यूअर एजुकेशन पर देख रहे हो, देन द लिंक फॉर मेन्यूअर लॉ एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो गाइस, अंटिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वन।